हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। क्लास सिक्स आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर वन नंबर सिस्टम सॉल्व किया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज 1D सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1D बेस्ड है इस्टीमेशन के ऊपर। इस्टीमेशन क्या होता है तो जानते हैं, इस्टीमेशन एक गेस होता है, अंदाजा लगाना। एक हम इसमें रफ आइडिया हमको मिलता है आंसर लाने का। तो इस्टीमेशन के अंदर हम लोग नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 राउंड ऑफ करना सीखेंगे नंबर्स को। और उसके बाद हम एक गेस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं आंसर फाइंड करने का। ये एक आंसर रफ होता है, एक्चुअल आंसर ये नहीं होता है, बट अप्रोक्सीमेट एक्चुअल आंसर के नियरेस्ट होता है, नज़दीक होता है। तो आइए पहले जानते हैं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 राउंड ऑफ करना क्या होता है। तो पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस्टीमेशन के लिए हम नंबर को राउंड ऑफ करना सीखते हैं। तो सपोज ये नंबर दिया है 53। अब इसे हमें नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ करना के लिए कहा जाएगा, तो आप ठीक उसके पहले यानी यूनिट प्लेस की डिजिट देखेंगे, वंस डिजिट को आप देखेंगे। तो वंस डिजिट हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, 3। हम कंपेयर करते हैं 5 से, 3 ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है। 3 लेस देन 5 है। तो नियरेस्ट 10 में आंसर में क्या होगा, वंस डिजिट हमेशा 0 होगी। जब राउंड ऑफ करेंगे इसे 53 को, तो यहां पर क्या आएगा, 3 की जगह 0 आएगा। और नियरेस्ट 10 के लिए कहा है, तो हम 10 डिजिट में क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो देखिए 10 डिजिट पे कोई चेंज नहीं आएगा अगर वंस डिजिट 5 से लेस है। तो हमने देखा 3 5 से लेस है, तो 5 एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब जैसे 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, तो इन सभी में वंस डिजिट क्या है, लेस देन 5 है। 1 भी 5 से लेस है, 2 भी 5 से लेस है, 3 भी 5 से लेस है, 4 भी 5 से लेस है। तो टेंस प्लेस की डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा। राउंड ऑफ जब करेंगे तो टेंस प्लेस की डिजिट जैसी है वैसी रखी जाएगी, और नियरेस्ट टेंस में हमेशा वंस प्लेस की डिजिट 0 रखते हैं। तो ये 1 की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पर 2 की जगह 0, ये 5 एज इट इज रहेगा, 3 की जगह 0, ये 5 एज इट इज रहेगा, 4 की जगह 0। तो हमने देखा 51, 52, 53, 54, ये चारों अलग अलग नंबर हैं, डिफरेंट नंबर से, पर इनको जब राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 के लिए तो 50 लिखा जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जहां पर यूनिट डिजिट या वंस डिजिट 5 से ग्रेटर है या 5 है। जैसे हम बात करें 75, 76, 77, 78, 79, तो हम क्या देख रहे हैं, यहां पर वंस डिजिट, यहां पर 5 है। तो 5 क्या है, 5 लेस नहीं है 5 से, 5 क्या है, इक्वल टू 5 है। 6 आल्सो ग्रेटर देन 5 है, यहां पर 7 है, ये भी क्या है, ग्रेटर देन 5 है। 8 यहां देख रहे हैं, ये भी क्या है, ग्रेटर देन 5 है, और 9 भी ग्रेटर देन 5 है। तो जब भी कोई नंबर दिया हो और उसकी वंस डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो, जब भी कोई नंबर दिया हो और उसकी वंस डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 हो, तो क्या करते हैं नियरेस्ट 10 के लिए, टेंस प्लेस में जो भी डिजिट है उसको 1 इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज बाय 1 कर देते हैं। तो 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 8। और नियरेस्ट 10 में हमेशा राउंड ऑफ जब करेंगे तो वंस डिजिट 0 होगी। ऐसे यहां पर वंस डिजिट क्या है, 6 है, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो 7 में 1 इनहांस करेंगे, 1 इंक्रीज करेंगे, तो ये 8 बन जाएगा। और वंस डिजिट तो 0 रखते हैं, रिप्लेस करते हैं राउंड ऑफ करने पे। यहाँ पर भी 7 है जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो क्या होगा, टेंस डिजिट को इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, तो ये 7, ये वाला 7 क्या बन जाएगा, 8, और वंस डिजिट 0 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर 80 हो जाएगा, और 79, ये भी 80 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 75, 76, 77, 78, 79, ये सभी नंबर नियरेस्ट
10 के लिए राउंड ऑफ करेंगे तो 80 बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाए तो हमेशा वंस डिजिट देखनी है और ये देखना है कि 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। 5 से लेस है अगर तो हम 10 डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 10 डिजिट में जो भी लिखा है या इसके बाद भी और डिजिट है तो एज इट इज सारी डिजिट रख देंगे और वंस डिजिट को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। अब यही अगर वंस डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो 10 डिजिट में 1 ऐड कर देंगे और बाकी वंस डिजिट जो भी है उसको जीरो से रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ करते हैं। आइए अब देखते हैं नियरेस्ट 100 के लिए कैसे राउंड ऑफ करेंगे। यहां पर 34,628 एक नंबर लिखा है, यहां पर 34,672 लिखा है। तो नियरेस्ट 100 के लिए जब राउंड ऑफ करना होगा हमें, नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करना है जब, तो 100 के ठीक वन प्लेस पहले क्या होता है, टेंस। टेंस डिजिट को हम देखते हैं तो यहां की बात करें पहले तो टेंस डिजिट देखते हैं क्या ये डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है या लेस है। तो देख रहे हैं 2 है, 2 क्या है, 2 इज लेस देन 5। तो 2 लेस देन 5 है तो 2 से जो हायर प्लेस की डिजिट है इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये 346 ऐसे लिख देंगे 346। और नियरेस्ट 100 की बात करें तो टेंस और वंस प्लेस की डिजिट, टेंस और वंस प्लेस की डिजिट हमेशा जीरो से रिप्लेस होगी। तो ये बनेगा यहां पर 34,600। तो नियरेस्ट 100 में आंसर ऐसे ही आता, 600, 700, 800, 900, लास्ट में इस तरह से चीजें आती हैं, 100, 200, 300, यानी लास्ट में टू डिजिट्स जीरो रहती हैं। अब जैसे दूसरा एग्जांपल यहां देख रहे हैं नियरेस्ट 10 के लिए, तो यहां पर हम जब देखते हैं, अब दूसरा एग्जांपल यहां देख रहे हैं नियरेस्ट 100 के लिए, तो हम क्या करते हैं, 10th प्लेस की चेक करते हैं क्या ये 5 से ग्रेटर है। तो 7 जो है 5 से ग्रेटर है, तो जब 7 5 से ग्रेटर होता है तो 100 प्लेस में जो भी डिजिट होती है उसको इंक्रीज बाय 1 कर देते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो इस 6 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7, और बाकी जो डिजिट है लेफ्ट में एज इट इज रख दी जाएंगी, 34 है तो 34। और नियरेस्ट 100 में क्या होता है, 10th और 1th प्लेस की डिजिट, 1st डिजिट को किससे रिप्लेस करते हैं, 00 से। तो इस तरह से हमने नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करना भी देख लिया है। ऐसे नियरेस्ट 1000 के लिए जब बात होती है तो हम 100 प्लेस की डिजिट देखते हैं। नियरेस्ट 10,000 की बात होती है राउंड ऑफ करने के लिए तो ठीक उसके पहले यानी हम 1000 प्लेस की डिजिट को देखते हैं। इस तरह से हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बाकी चीजें समझते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएंगे। बाकी एक चीजें हम लोग क्लास 5th में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे बस केवल रिकॉल किया जा रहा है। अब आइए आते हैं एक्सरसाइज पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे 4 पार्ट्स में नंबर दिए हुए हैं और इन्हें हमें नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ करना है। तो रूल्स हमने देख ही लिया है, आइए सॉल्व करते हैं। तो ए में दिया है 36। इन 36 द वंस डिजिट इज, वंस डिजिट देखते हैं, वंस टेंस, वंस डिजिट क्या है, 6 है। अब चेक करते हैं 6 क्या ग्रेटर देन 5 है या लेस देन, तो 5 है, तो 6 ग्रेटर देन 5 है। जब भी 6 ग्रेटर देन 5 होगा 10th प्लेस की डिजिट में हमें 1 ऐड करना होगा, यानी 3 में हम 1 ऐड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 4। और नियरेस्ट 10 के लिए क्या करते हैं, 1st डिजिट हमेशा 0 से रिप्लेस होती है। तो लिखते हैं यहां पर हम इस, यहां देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर या राउंडेड नंबर होगा नियरेस्ट 10 के लिए कर रहे हैं, आपको याद रखना है क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर राउंडेड नंबर क्या होगा, नियरेस्ट 10 के लिए 1st डिजिट को हमेशा 0 से रिप्लेस करेंगे तो 6 के लिए 0 लिखेंगे। और जब भी 1st डिजिट 5 से ग्रेटर होती है या 5 होती है तो 10th डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो इस 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 36 को नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 40, ये हमारा आंसर हो गया। बी में दिया हुआ है 173, तो 1st डिजिट क्या है, देखिए 3 है। अब 3 तो लेस देन 5 है, 3 लेस देन 5 है तो कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, 7 एज इट इज 7 रख दिया जाएगा, 1 को 1 लिख देंगे। और नियरेस्ट 10 में क्या होता है, 1st प्लेस की डिजिट
जीरो से रिप्लेस होती है। तो यहां पे क्या होगा, सिर्फ थ्री की जगह हम जीरो रिप्लेस कर, वन की जगह वन, टेंथ प्लेस की जो डिजिट है नियरेस्ट टेन के लिए राउंड ऑफ कर रहे हैं तो सेवन को सेवन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वंस डिजिट है वो फाइव से लेस है, और ये वंस डिजिट की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, इसको इसको रिप्लेस करेंगे जीरो से, तो 170 होगा। याद रखना है टेंस के लिए जब भी राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेन के लिए तो हमेशा वंस डिजिट जीरो लिखी जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें सी में दिया हुआ है 3869, तो यहां पर वंस डिजिट क्या है, 9 है, जो कि ग्रेटर देन 5 है। देयरफोर राउंडेड नंबर क्या होगा, तो 9 की जगह क्या लिखेंगे, वंस डिजिट को रिप्लेस करेंगे 0 से जब भी नियरेस्ट 10 के लिए करते हैं। अब 10 डिजिट का क्या होगा, अगर वंस डिजिट 5 से ग्रेटर है तो 5 से ग्रेटर है 9, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 6 की जगह 7, और बाकी जो भी डिजिट्स हैं 100 प्लेस में, 1000 प्लेस पे, 10000 प्लेस पे, उनको एज इट इज लिख दिया जाता है। तो 3869 को नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू आएगी 3870। ऐसे ही डी में दिया हुआ है 16378, तो इसकी हम वंस डिजिट देखते हैं जो कि 8 है, जो ग्रेटर देन 5 है, तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो वंस डिजिट तो 0 से रिप्लेस होगी, 10th डिजिट क्या हो जाएगी, 1 इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि इसकी वंस डिजिट 8 थी, ग्रेटर देन 5 थी, तो इस 7 की जगह 8 लिखेंगे, और बाकी जो भी लिखा है 361 ऐसे लिख देंगे एज इट इज जैसा भी था। इस तरह से ये नियरेस्ट 10 के लिए नंबर राउंड ऑफ हो गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। यहां पर हमें नंबर्स जो दिए हैं उन्हें नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करना है। तो आइए ए देखते हैं, ए में दिया है 814। तो जब भी राउंड ऑफ करना हो नियरेस्ट 100 के लिए तो ठीक उसके पहले वंस टेंस 100, 100 के ठीक पहले टेंस होता है, टेंस डिजिट को देखते हैं और चेक करते हैं ये 5 से ग्रेटर है या लेस है। तो यहां पर क्या डिजिट दी है, टेंस प्लेस पे नियरेस्ट 100 के लिए करना है, ठीक उसके पहले टेंस डिजिट को देखते हैं यानी 1 को देखेंगे, टेंस प्लेस डिजिट में 1 है, और चेक करेंगे 1 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। टेंस डिजिट 1 है क्योंकि लेस देन 5 है, 5 से स्मॉलर है, तो इसका राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो रिक्वायर्ड यहां लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे द रिक्वायर्ड राउंड नंबर। रिक्वायर्ड मतलब जो नंबर की बात हो रही है, जिस नंबर के लिए हमें राउंड ऑफ करने के लिए कहा गया है वो नंबर, द रिक्वायर्ड राउंड नंबर, तो नियरेस्ट 100 के लिए कहा गया है, तो टेंस डिजिट हमने देखी है। नियरेस्ट 100 में क्या होगा, हमेशा जब राउंड ऑफ करेंगे तो टेंस और वंस प्लेस की डिजिट जीरो से रिप्लेस हो जाएगी, तो 1 और 4 की जगह यहां पर 00 होगा। अब रही बात 100 प्लेस की, तो 100 प्लेस की डिजिट डिपेंड करेगी टेंस प्लेस की डिजिट के ऊपर, अगर टेंस प्लेस की डिजिट लेस देन 5 है तो 100 प्लेस में जो डिजिट है उसे एज इट इज रख देंगे, अदरवाइज 1 इंक्रीज करके लिखेंगे, तो यहां पे 1 तो 5 से लेस है तो कुछ भी इंक्रीज नहीं करेंगे, 8 यहां लिखा है तो एज इट इज 8 लिख देंगे यहां पर, तो 800 इसका आंसर होगा। इन 1254 द टेंस डिजिट इज, नियरेस्ट 100 के लिए क्या करते हैं, टेंस प्लेस की डिजिट देखते हैं, तो टेंस डिजिट यहां पर 5 है, टेंस डिजिट इज 5, और 5 क्या है, 5 के इक्वल है, 5 जो है 5 से लेस तो होता नहीं है, तो जब भी टेंस डिजिट क्या होगी, 5 या 5 से ग्रेटर होगी, तो 100 प्लेस की डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर। तो देखिए नियरेस्ट 100 के लिए है तो टेंस प्लेस की डिजिट और वंस प्लेस की डिजिट 0 से रिप्लेस हो जाएगी, 5 और 4 की जगह क्या लिखेंगे, 00, 5 की जगह भी 0 और 4 की जगह भी 0। अब 2 की बात करें तो टेंस की डिजिट क्या है, 5 या 5 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो 5 से ग्रेटर है तो 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1, तो 2 क्या बन जाएगा, जब उसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा। इंक्रीज कब करते हैं, जब टेंस प्लेस की डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो, तो यहां पर 5 के इक्वल है और ये 1 एज इट इज लिख दिया जाएगा, तो 1254 क्या हो जाएगा, 1300।
इन 43,126 द टेंथ डिजिट इज, नियरेस्ट 100 के लिए क्या करते हैं, टेंथ डिजिट को देखते हैं, तो ये 2 है और 2 क्या है, 5 से लेस है, तो कुछ भी कहीं कुछ इंक्रीज नहीं होगा, यानी 100 प्लेस के डिजिट में कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। और नियरेस्ट 100 के लिए कर रहे हैं तो टेंस और वंस प्लेस की डिजिट 0 से रिप्लेस हो जाएंगे, यानी 2 और 6 की जगह 00 लिख देंगे और 431 जैसा लिखा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। Therefore, the required rounded number equal to 43,100. Nearest 100 में क्या होता है, आंसर ऐसे ही 100, 200, 300, 400, 500 आता है, यानी लास्ट की टू डिजिट 00 रहती हैं। In 98,165, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, नियरेस्ट 100 के लिए हमें राउंड ऑफ करना है, तो हम टेंथ प्लेस की डिजिट देखते हैं, तो यहाँ पे 6 है जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो लिख लेते हैं। Therefore, the required rounded number equal to होगा, nearest 100 के लिए है तो tenth place और ones place की digits 00 से replace हो जाएंगे, तो 6 और 5 की जगह क्या लिखेंगे, 0 और 0। अब 1 increase हो जाएगा by 1, क्योंकि यहाँ पे tenth place की digits 6 है जो कि greater than 5 है, इसलिए 1 increase by 1 हो जाएगा, तो 1 में जब 1 add करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 8, 9 जो लिखा है इसे as it is लिख लेंगे, तो 98,200 ये नियरेस्ट राउंड ऑफ नंबर होगा 98,165 का, तो नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ किया है तो 98,200 आया है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं नियरेस्ट 1000 के लिए राउंड ऑफ करना है, तो नियरेस्ट 1000 के लिए हम हमेशा उसके ठीक पहले यानी 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे, चेक करेंगे 5 के इक्वल है या नहीं है, लेस है या ग्रेटर है, उसके अकॉर्डिंग फिर नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। तो इसमें ए दिया है 793। इन 793 द हंड्रेड्स डिजिट इज, देखिए 1000 के लिए जब हम नियरेस्ट राउंड ऑफ करते हैं तो क्या देखते हैं, ठीक उसके पहले प्लेस यानी 100 प्लेस की डिजिट, तो 100 डिजिट क्या है, 7। 7 क्या 5 से ग्रेटर है, बिल्कुल 5 से ग्रेटर है, तो 1000 के लिए हमें राउंड ऑफ करना है, तो 1000 के राइट में जो भी डिजिट होंगे यानी 100 प्लेस की डिजिट, 10th प्लेस की डिजिट और 1 प्लेस की डिजिट, इनको 0 से रिप्लेस करेंगे, यानी 3 की जगह भी 0, 9 की जगह भी 0, 7 की जगह भी 0 लिखेंगे। Therefore, the required rounded number, तो देखिए नियरेस्ट 1000 के लिए है तो 100, 10th और 1s जो भी डिजिट है 0 से रिप्लेस हो जाएंगे, तो 7, 9, 3 इन तीनों की जगह 0 लिखेंगे। अब हमने ये देखा है कि 7 जो 100 प्लेस की डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, तो 1000 प्लेस में जो डिजिट होगी उसमें 1 इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है 1000 प्लेस में, 1s, 10s, 100, 1000 प्लेस में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा यानी हम इसे 0 मानते हैं, तो यहाँ 0 है, तो 0 को जब 1 से इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 बन जाएगा। 7 के आगे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो हम इसको 0 मानेंगे। अब यहाँ पे इंक्रीज करना हमें वाई बाई 1 से, तो 0 को जब 1 से इंक्रीज करेंगे तो ये 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1। तो 793 राउंडेड ऑफ होगा नियरेस्ट 1000 के लिए क्या बनेगा, ये 1000, ये इसका आंसर है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अगर कोई डिजिट यहाँ पे नहीं दी है तो उसको 0 मान लेना है। आगे बी में दिया हुआ है 4826, तो यहां पर नियरेस्ट 1000 के लिए करना है तो 100 डिजिट को देखेंगे तो 100 डिजिट्स क्या है, 8 है, 8 5 से ग्रेटर है, तो 85 से ग्रेटर है, तो 1000 प्लेस में जो भी डिजिट होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा, यानी 4 की जगह हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो 4 की जगह हमने जब उस पर 1 इंक्रीज किया तो 5 लिखा। और नियरेस्ट 1000 में क्या होता है, 100 प्लेस, 10th प्लेस और 1 डिजिट सबको 0 से रिप्लेस करते हैं, तो 8 की जगह भी 0, 2 की जगह भी 0 और 6 की जगह भी 0 लिखेंगे। तो 4826 नियरेस्ट 1000 के लिए राउंडेड ऑफ होगा तो क्या लिखा जाएगा, 5000। सी में दिया हुआ है 16719, इसे भी हमें नियरेस्ट 1000 के लिए राउंड ऑफ करना है, तो इसके 100 प्लेस की डिजिट देखते हैं हम लोग, तो 1s, 10s, 100, 100 प्लेस पे 7 है जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो लिख लेते हैं पहले से। Therefore, the required rounded number क्या होगा, तो जब भी 100 डिजिट 5 से ग्रेटर है तो 1000 डिजिट में क्या ऐड कर देंगे, 1, तो 6 में जब हमने 1 ऐड किया तो क्या होगा, 7,
और उसके लेफ्ट में और क्या लिखा है, वन, तो वन एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब नियरेस्ट थाउजेंड के लिए हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो हंड्रेड डिजिट, टेंस डिजिट और वंस डिजिट सभी को जीरो से रिप्लेस करेंगे, यानी 719 की जगह 000 लिखेंगे। इस तरह से 16,719 राउंड ऑफ हो गया है नियरेस्ट थाउजेंड के लिए और बन गया है ये 17,000। डी में दिया हुआ 28,394, तो यहां पर 100 डिजिट क्या है 3, विच इज लेस देन 5, 5 से कम है तो 1000 डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, यानी 8 को 8 लिखेंगे, उसके आगे 2 है तो 2 लिखेंगे, और जैसा कि नियरेस्ट 1000 में करते हैं 100 टेंस और वंस डिजिट को जीरो से रिप्लेस कर देंगे, तो सीधे इसका आंसर लिख लेते हैं। 100 डिजिट इज 3 विच इज लेस देन 5, तो 5 से लेस है तो किसी में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 100 के जो भी लेफ्ट में लिखा है 28, तो 28 एज इट इज लिख दिया जाएगा, और 1000 में सबको राउंड ऑफ करना था तो 100 टेंस और वंस डिजिट को जीरो से रिप्लेस करेंगे, यानी 28,000 इसका आंसर होगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इक्वल टू 28,000। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000। तो अभी तक हमने नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 के लिए किया था, अब यहां पर हम नियरेस्ट 10,000 के लिए करेंगे, तो डिजिट कौन से देखेंगे, थाउजेंड्स डिजिट को देखेंगे, जो थाउजेंड्स प्लेस पे डिजिट होगी उसको चेक करेंगे, 5 से कंपेयर करके देखेंगे, बाकी प्रोसीजर यही रहेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ए में दिया है 17,514, तो इन 17,514 थाउजेंड्स डिजिट इज 7। देखिए जब 10,000 के लिए राउंड ऑफ करते हैं तो ठीक उसके पहले प्लेस यानी थाउजेंड्स की डिजिट देखते हैं, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड में 7 है, 7 5 से ग्रेटर है, तो 7 5 से ग्रेटर है तो 10,000 में जो भी डिजिट होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो यहां 1 था तो उसमें 1 ऐड होगा तो बन जाएगा 2, और 10,000 को जब राउंड ऑफ करते हैं 10,000 के लिए तो क्या होता है, 1000 प्लेस की डिजिट, 100 प्लेस की डिजिट, 10 प्लेस की डिजिट और 1 प्लेस की डिजिट सभी को जीरो से रिप्लेस करते हैं, यानी 7514 की जगह 0000 होगा और ये 1 इंक्रीज हो जाएगा 1 से तो 2 हो जाएगा, तो इसका राउंडेड ऑफ नंबर बनेगा 20,000। देयरफॉर द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर हो जाएगा, जब इस 1 में 1 इंक्रीज करेंगे तो 1 से बन जाएगा ये 2, और 10,000 के लिए राउंड ऑफ करना है तो 1000 प्लेस की जगह 0 यानी 7 की जगह 0, ये 5 जो है 100 प्लेस की जो डिजिट है इसको भी 0 से रिप्लेस करेंगे, 1 पे भी 0 और 4 पे भी 0, यानी 10,000 में 10,000 के लिए जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें 40 लास्ट में आएंगे ही आएंगे, ये याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका बी। यहाँ पर 26,340 में 10,000 के लिए राउंड ऑफ करना है तो उसके ठीक पहले यानी थाउजेंड्स की डिजिट देखेंगे तो वो 6 है, 6 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए 10,000 में जो भी नंबर होगा डिजिट होगी 10,000 की उस डिजिट पे 1 ऐड करना होगा, तो 2 पे 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3, तो 2 की जगह यहाँ 3 लिखेंगे, और 10,000 को जब राउंड ऑफ करते हैं 10,000 के लिए, नियरेस्ट 10,000 के, तो बाकी जो राइट में जो चार प्लेसेस होते हैं यानी 1000, 100, टेंस और वंस, वो सारी डिजिट जीरो से रिप्लेस होती हैं, तो ये बनेगा 30,000। इन 34,890 1000 डिजिट इज 4, यहाँ पे देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड डिजिट क्या है 4 है, जो कि लेस देन 5 है, तो यहाँ पे कोई डिजिट पे कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, यानी 3 को एज इट इज 3 लिखेंगे और 4890 जैसा कि होता है नियरेस्ट 10,000 में इन चारों को जीरो से रिप्लेस करेंगे, तो आंसर आएगा इसका 30,000। Therefore, the required rounded number equal to 30,000. D में दिया है 272,685 को nearest 10 के लिए, nearest 10,000 के लिए राउंड ऑफ करना है। इन 272,685 1000 डिजिट 2 है और ये लेस देन 5 है तो 10,000 प्लेस की डिजिट पे कुछ ऐड नहीं होगा, यानी 7 को 7 लिखेंगे, इसके लेफ्ट में जो भी डिजिट है 2 है तो 2 लिख देते हैं। अब नियरेस्ट 10,000 के लिए राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 1000, 100, टेंस और वंस डिजिट क्या होंगी, जीरो से रिप्लेस होंगी, तो 2685 की जगह 0000 लिखेंगे, यानी 270,000 इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10,
यहाँ पर एस्टिमेट मैंने पहले ही बताया था कि हम यहाँ पे आंसर गेस करते हैं, एक रफ आंसर लेके आते हैं, एक रफ आइडिया आंसर का फाइंड करने के लिए निकालते हैं। तो नियरेस्ट 10 के लिए इसको आपको एस्टिमेट करना है, तो पहले जो भी नंबर दिए राउंड ऑफ कर लेंगे नियरेस्ट 10 के लिए और फिर ऐड कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एस्टिमेटेड सम। तो 5 से लेकर 13 तक को हमें एस्टिमेट करना है, वो भी नियरेस्ट 10 के लिए। तो फिफ्थ सॉल्व करते हैं, इसमें दिया है 57 प्लस 34, याद रखिएगा नियरेस्ट 10 के लिए, तो पहले हम इन्हें नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ करेंगे या एस्टिमेट करेंगे और उसके बाद सम फाइंड करेंगे। अब 57 को एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 10 के लिए, तो वंस की डिजिट देखेंगे, वंस डिजिट 7 है, 5 से ग्रेटर है, तो टेंथ डिजिट में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो इस 5 में जब 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 6, और नियरेस्ट 10 में तो हमेशा वंस डिजिट 0 होती है तो 60 हो जाएगा। ऐसा 34 में 4 की जगह 0 होगा, अब 3 की जगह 3 होगा या कुछ इंक्रीज होगा, तो देखेंगे कि वंस डिजिट 4 है और ये 5 से लेस है, 5 से ग्रेटर नहीं है, लेस है, तो 3 पे कोई चेंज नहीं होगा, 10th डिजिट पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसे हम एज इट इज लिख देंगे। तो एस्टिमेटेड सम क्या होगा, 60 और 30 को ऐड करके लाएंगे वही एस्टिमेटेड सम होगा। एस्टिमेटेड सम इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 60, 57 की जगह 60 लिखेंगे प्लस 34 की जगह 30 लिखेंगे और वैल्यू देखते हैं क्या आती है, 60 प्लस 30 इक्वल टू 90। तो एस्टिमेटेड सम क्या होगा, 57 प्लस 34 का एस्टिमेटेड सम नियरेस्ट 10 के लिए होगा 90। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 43 प्लस 78 का एस्टिमेटेड सम फाइंड करनी है नियरेस्ट 10 के लिए, तो यहाँ पे भी पहले 43 और 78 का को एस्टिमेट कर लेंगे नियरेस्ट 10 के लिए, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम 43 को नियरेस्ट 10 के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं या राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे नियरेस्ट 10 के लिए, तो ठीक उसके पहले वंस की डिजिट, तो वंस डिजिट क्या है 3, 5 से लेस है, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी इंक्रीज नहीं करेंगे 10th डिजिट में, तो 4 को 4 लिखेंगे और नियरेस्ट 10 में क्या होता है राउंड ऑफ में एस्टिमेशन में वंस डिजिट हमेशा 0 रहती है। ऐसे 78 में 8 की जगह 0 लिखेंगे, वंस डिजिट हमेशा 0 रहती है, और 7 का क्या होगा, तो वंस डिजिट 5 से ग्रेटर है, इसलिए ये 7 में 1 से इंक्रीज करेंगे 7 को, तो 7 क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। तो 43 प्लस 78 का एस्टिमेटेड सम क्या होगा, 40 प्लस 80 इक्वल टू 120। देयरफॉर एस्टिमेटेड सम क्या हो जाएगा, 43 की जगह हम लिखेंगे 40 प्लस 78 की जगह लिखेंगे 80, अब इनको ऐड कर लेंगे तो 40 प्लस 80 120 आएगा। तो 43 प्लस 78 का एस्टिमेटेड सम नियरेस्ट 10 के लिए क्या होगा, 120। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 प्लस 69, तो यहाँ भी नियरेस्ट 10 के लिए एस्टिमेट करेंगे 14 और 69 दोनों को अलग अलग, तो 14 को जब नियरेस्ट 10 के लिए एस्टिमेट करेंगे तो हम यहाँ क्या देखते हैं, वंस डिजिट 4 है विच इज लेस देन 5, 5 से लेस है, तो 1 में कुछ ऐड नहीं होगा, 1 को एज इट इज लिख देंगे, और नियरेस्ट 10 में वंस डिजिट तो 0 से रिप्लेस होती है तो 4 की जगह 0, ऐसे यहाँ 9 की जगह 0, अब 6 में कुछ ऐड होगा या नहीं होगा, तो देखते हैं वंस डिजिट 9 है या यानी कि 5 से ग्रेटर है, तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 70, टोटल 70 बनेगा, 6 7 हो जाएगा और ये 70 बनेगा। तो 14 प्लस 69 को एस्टिमेटेड सम कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 70 करके, और जो कि आंसर आएगा 80, लिख लेते हैं इसे। द एस्टिमेटेड सम इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 70 इक्वल टू 80, 14 प्लस 69 का एस्टिमेटेड सम नियरेस्ट 10 के लिए क्या होगा, 14 की जगह 10 लिखेंगे, 69 की जगह 70, यानी टोटल आएगा 80, ये आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 86 प्लस 19, यहाँ भी एस्टिमेटेड सम निकालना है नियरेस्ट 10 के लिए, तो पहले 86 और 90 दोनों को एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लेते हैं नियरेस्ट 10 के लिए, जैसे अभी तक सॉल्व करते आए हैं। तो 86 को जब नियरेस्ट 10 के लिए एस्टिमेट करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं वंस प्लेस की डिजिट 6 है, यानी 5 से ग्रेटर है, इसलिए 10th की डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो 8 की जगह यहाँ पे लिखेंगे 9, और नियरेस्ट 10 में तो वंस डिजिट 0 होती ही है, यहाँ पर भी 19 है तो वंस डिजिट 9 है जो कि ग्रेटर देन 5 है, इसलिए 10th की डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 में जब 1 ऐड होगा तो ये बनेगा 2, और वंस डिजिट तो 0 लिखी जाती है, यानी 90 प्लस 20 110 इसका एस्टिमेटेड सम होगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड सम इक्वल टू 90 प्लस 20, 86 की जगह 90 लिखा, 19 की जगह 20 लिखा, इक्वल टू 110। देयरफॉर द एस्टिमेटेड सम या रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड सम क्या होगा, 110। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 95 प्लस 58 दिया है, तो 95 और 58 दोनों को एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 10 के लिए, और जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर लेंगे।
तो 95 को जब नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ करेंगे तो वंस प्लेस पे क्या है, 5 है। यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या है, 5। तो 5 या 5 के इक्वल होने पे या 5 के इक्वल या उससे ग्रेटर होने पर क्या होता है, 10th प्लेस की डिजिट पे 1 ऐड करते हैं। तो 9 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 10। और 1 प्लेस की डिजिट तो 0 लिखी जाती है नियरेस्ट 10 के लिए। ऐसे 58 में यहाँ पर 1 डिजिट क्या है, 8 है, विच इज़ ग्रेटर देन 5, इसलिए इस 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6। और 1 डिजिट तो हमेशा 0 रहेगी नियरेस्ट 10 में, तो 100 प्लस 60 ऐड करेंगे तो 160 इसका आंसर आएगा। द रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड सम इक्वल टू 95 की जगह 100, 58 की जगह 60, इसको ऐड करेंगे तो 160 आया। और 160 कहाँ से आया, तो ये हमने देखा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 77 प्लस 63। तो 77 को एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 10 के लिए और 63 को भी करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसे ऐड करेंगे। तो 77 में 1 डिजिट तो 0 हो गई, 7 की जगह 0 लिखेंगे। अब 10th डिजिट में कुछ ऐड होगा या नहीं होगा, तो देखिए 1 डिजिट 7 है, ग्रेटर देन 5 है, इसलिए 7 में 1 ऐड होगा 10th डिजिट में, तो 7 क्या बन जाएगा, 8। ऐसे यहाँ पर 1 डिजिट तो 0 हो जाएगी। अब 10th डिजिट में कुछ ऐड होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर 1 डिजिट 3 है, विच इज लेस देन 5, 5 से कम है, इसलिए 10th डिजिट पे कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 6 को हम एज इट इज 6 लिखेंगे। अब इनको ऐड कर लेंगे, वही एस्टिमेटेड सम होगा। Therefore, the estimated sum या required estimated sum भी लिख सकते हैं, required मतलब जो पूछा गया है। तो therefore, the estimated sum या required estimated sum क्या होगा, 80 plus 60 equal to 140। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 में दिया है 356 plus 275। तो इसे भी हमें nearest 10 के लिए estimate करना है और sum find करना है। तो 356 को जब हम नियरेस्ट 10 के लिए करेंगे तो क्या देखते हैं, 1 डिजिट 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 5, कंपेयर हमेशा 5 से करेंगे, हमेशा 5 से कंपेयर करेंगे। तो 5 से ग्रेटर है ये 6, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10th की डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये वाला जो 5 है ये बन जाएगा 6, और उसके लेफ्ट में 3 लिखा है तो 3 एज इट इज रहेगा। और 1 डिजिट क्या होती है, नियरेस्ट 10 में 1 डिजिट हमेशा 0 होती है, तो इस 6 की जगह लिखेंगे 0। ऐसे यहाँ 275 की बात करें तो नियरेस्ट 10 के लिए करना है, तो 1 डिजिट देखते हैं तो 5 है, 5 या 5 के से ग्रेटर होने पे 10th की डिजिट पे 1 ऐड कर देते हैं, तो 7 की जगह हम जब 7 पे 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8, 2 एज इट इज लिख दिया जाएगा। और 1 डिजिट हमेशा 0 हो जाती है एस्टिमेशन करने पे नियरेस्ट 10 के लिए। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, वही एस्टिमेटेड सम होगा। देयरफॉर एस्टिमेटेड सम इक्वल टू क्या होगा, 360 प्लस 280 इक्वल टू 640। तो ये हमारा एस्टिमेटेड सम होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 12 में दिया है 463 प्लस 182। तो 463 182 इन दोनों को ही हम एस्टिमेट कर लेंगे नियरेस्ट 10 के लिए। तो 463 इसको एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 10 के लिए, तो हम देखेंगे वंस प्लेस की डिजिट, तो वंस प्लेस की डिजिट 3 है जो कि लेस देन 5 है, तो 6 में कुछ ऐड नहीं होगा, तो 6 की जगह 6 लिखेंगे, इसके लेफ्ट में 4 है तो 4 की जगह 4 लिखेंगे, और नियरेस्ट 10 है इसलिए 1 डिजिट 0 से रिप्लेस हो जाएगी, तो इस 3 की जगह 0 लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी इस 2 की जगह 0 लिखेंगे, 1 डिजिट 0 से रिप्लेस होगी। अब 8 में कुछ ऐड होगा या नहीं होगा, ये 1 की डिजिट डिसाइड करेगी, तो 1 डिजिट 2 है जो कि 5 से लेस है, इसलिए 8 में कुछ ऐड नहीं होगा, यानी 10th डिजिट पे कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 8 लिखा जाएगा, और ये 1 है तो 1 लिखा जाएगा। तो एस्टिमेटेड सम क्या होगा, 460 प्लस 180 करेंगे, जो सम आएगा वही एस्टिमेटेड सम होगा। इनको ऐड करने पे 640 आता है और यही आंसर होगा इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 538 और 276 का सम फाइंड करना है, वो भी एस्टिमेटेड सम। तो इन दोनों को पहले नियरेस्ट 10 के लिए एस्टिमेट कर लेंगे। तो 538 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 इक्वल टू होगा 540 होगा यहाँ पर, 276 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 280 होगा। कैसे होगा, 1 डिजिट तो 0 हो गई, अब 10th प्लेस की डिजिट में कुछ ऐड होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा 1 डिजिट पे। तो यहाँ पे 6 है, ग्रेटर देन 5 है, इसलिए 7 में 1 ऐड हो गया तो 8 हो गया, और उसके लेफ्ट में जो भी जितनी डिजिट लिखी उन्हें एज इट इज लिख देंगे, तो 2 को 2 लिख दिया। अब एस्टिमेटेड सम क्या होगा, 538 प्लस 276 क्या लिखेंगे, 540 प्लस 280, तो 820 आया। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे वो एस्टिमेटेड सम निकाला था नियरेस्ट 10 के लिए, तो वो हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो एस्टिमेटेड सम है नियरेस्ट 100 के लिए,
तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो पे